गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल द रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ नायाब और बेहतरीन लेके हम आपके सामने आए हैं। आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको इस घर की डिटेल्स, इस एरिया के लैंडमार्क्स और इस घर के पूरे फीचर्स मैं आज दिखाने वाला हूँ। बिल्ट ऑन अ 300 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, दिस वन इज अ 4 बेडरूम 4 वॉशरूम हाउस इन सुशांत लोक बी ब्लॉक। इस घर की खासियत ये है कि गुड़गांव के कुछ बहुत फेमस लैंडमार्क्स जैसे कि व्यापार केंद्र, गलेरिया मार्केट, DPS सुशांत लोक, पूरा सिटी सेंटर, फोर्टिस और मैक्स हॉस्पिटल इस लोकेशन के 200 मीटर के रेडियस में है। आप गुड़गांव के दिल के अंदर अपना घर बना के बैठेंगे और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। दिल्ली से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, गोल्फ कोर्स रोड पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं और सारी ही मार्केट्स आपके स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे। इस घर को देखिए, इस घर के लिए जल्दी से हमें कॉल कीजिए और एक विजिट सेटअप कीजिए। सबसे पहले आपको इस घर का बेसिक लेआउट समझा देता हूँ। ये मैं खड़ा हूँ दरवाजे पे और फ्रंट ऑफ द हाउस में है ड्राइंग रूम और 2 कमरे, बेडरूम नंबर 1 और एक स्टडी रूम, साथ में आपका ड्राइंग डाइनिंग रूम जो कंबाइंड है। घर के पीछे वाले साइड पे एक किचन, पाउडर रूम और 2 कमरे। दरवाजे के एकदम सामने एक 30 फुट की पूजा स्पेस है। अब जबकि आपने घर का बेसिक लेआउट समझ लिया है, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग और डाइनिंग रूम के दर्शन करा देता हूँ। आइए अपने ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में। इस ड्राइंग डाइनिंग रूम की ये खासियत है कि 450 स्क्वायर फुट पे ये बनी हुई जगह आपका डाइनिंग टेबल, साथ में कटलरी क्रॉकरी के लिए रैक्स और ड्रॉर्स को आराम से अकोमोडेट कर सकता है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक 6 to 8 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से फिट हो सकता है, साथ में एक कटलरी क्रॉकरी रैक और चेस्ट आराम से लगाया जा सकता है। इस ड्राइंग रूम की कुछ खासियत ये है कि विक्टोरियन फिनिशेज और वुडन पैनलिंग के साथ ये एलिगेंट, ग्रेसफुल और नॉट टू लाउड लगता है। जिन लोगों को फ्लैशी काम नहीं पसंद, ये घर सिर्फ उन्हीं के लिए है। जिन लोगों को कुछ थोड़ा लाउड काम पसंद है, शायद उनको ये लगे कि यहाँ बिल्डर ने बहुत कुछ नहीं किया हुआ है, बट दिस वन इज़ अ क्लासी हाउस एंड नॉट अ मासी हाउस। अभी मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, वो इस घर का फॉर्मल ड्राइंग एरिया है। यहाँ पे आप 12 से 14 सीटर के सोफे, एक कॉफ़ी टेबल, एक लाइब्रेरी रैक सब लगा सकते हैं। सोचिए बारिश के दिनों पे इस बालकनी का सुहाना व्यू और आप इस ड्राइंग रूम में बैठे हों, अपनी फेवरेट कॉफ़ी पी रहे हों और इन्जॉय कर रहे हों, शाम को IPL का मैच हो, यहाँ लगी हो एक बड़ी स्क्रीन और उस पे आप अपने घर वालों, अपने फ्रेंड्स के साथ IPL या जो भी स्पोर्ट आप देखना पसंद करते हो उसको इन्जॉय करें। अब ड्राइंग डाइनिंग रूम के बाद आपको दिखाता हूँ आपकी पूजा स्पेस। 30 फुट की ये पूजा स्पेस है, ये मेडिटेशन करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए एडिक्वेट है। आप जिस भी टाइप की पूजा करना चाहें आप इस पूजा स्पेस में आराम से कर सकते हैं। पूजा स्पेस के साथ ही ये 150 फुट का ओपन किचन आता है। ओपन किचन करंटली है, लेकिन इस पर यह प्रोविजन भी है, दरवाज़ा लगाया जा सकता है। किचन के अंदर घुसते ही हम क्या देखते हैं कि एक डबल डोर फ्रिज के लिए एडिक्वेट जगह छोड़ रखी है। अप्लायंसेस वाइट गुड्स बिल्डर ने यहाँ दिए हुए हैं, हॉब, चिमनी और माइक्रोवेव इंस्टॉल्ड है। ये हैफेल नाम की कंपनी के हैं। हैफेल एक बहुत ही नायाब और यूनिक ब्रांड है। इस किचन की खासियत ये है कि ये मॉड्यूलर है और खूबसूरत लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पे रैक्स को इतनी अच्छे से मैनेज करके प्लेस किया हुआ है कि आपकी स्टोरेज की फंक्शनैलिटी बहुत ही आसान होने वाली है। आपको बर्तन स्टोर करने में, अपनी कॉन्डिमेंट स्टोर करने में इस घर में कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो ना ही ये किचन सिर्फ दिखता खूबसूरत है, बल्कि यहाँ काम करना भी बहुत आसान होने वाला है। 2 सिंक्स आपकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए, एक में आपके यूटेंसिल्स धुलेंगे, दूसरे में आपकी सब्जियां धुलेंगी। अब आप कॉमन एरियाज देख चुके हैं। सबसे पहले आपको बैक ऑफ द हाउस में बसे 2 बेडरूम्स और पाउडर रूम दिखाना चाहूंगा। चलते हैं बेडरूम नंबर 1 की तरफ। 170 स्क्वायर फुट का यह कमरा बालकनी से अटैच्ड है। इस घर में 4 बेडरूम हैं, उनमें से 3 बालकनी से अटैच्ड हैं। वॉलपेपर लगे हुए दीवार पे आपका हेडबोर्ड प्लान किया गया है। साइड पे चार्जिंग स्टेशंस दे रखे हैं। यहाँ पे किंग साइज बेड,
साथ में एक स्टडी टेबल आराम से अकोमोडेट हो सकता है। बिल्डर ने गोइंग दी एक्स्ट्रा माइल स्विच पॉइंट्स का प्रोविजन दे रखा है ताकि आप कहीं भी घर पे बैठें तो आपको चार्जिंग स्पेस ढूंढने के लिए ज़्यादा वक्त ना लगे। बालकनी में स्मार्टली वेट पॉइंट के एरिया छोड़ रखा है। ये वेट पॉइंट ये इंश्योर करेगा कि आपकी सर्विसेज यानी आपकी वॉशिंग मशीन यहाँ आराम से लग जाए और आपके फ्रंट ऑफ द हाउस में क्लटर ना हो। बाथरूम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आएगा आपका ड्रेसर। ड्रेसर में दो कबर्ड्स की एडिक्वेट जगह बिल्डर ने छोड़ रखी है कि मियाँ बीवी आराम से अपने कपड़े रखें और कम से कम लड़ाई करें। ये ड्रेसर के बाद ये ग्रे फिनिश में बाथरूम। बाथरूम में स्टर्न हैगन और विटारा के सैनिटरी वेयर दे रखे हैं। माइक्रोटफ का टफन ग्लास आपके शार एरिया और आपके डब्ल्यूसी एरिया को सेग्रीगेट करता है, तो आपके वेट एंड ड्राई एरियाज अलग अलग तो हैं ही, साथ में आपका ड्रेसर भी अलग है। इससे क्या होगा कि आपके कपड़ों में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आते हैं आपके पाउडर रूम की तरफ। ये स्लाइडिंग डोर इंश्योर करता है कि आपके घर की लॉबी में क्लटर ना हो। ये जो पाउडर वॉशरूम है ये आपके बेडरूम नंबर 2 का भी वॉशरूम है, सो इट एक्ट्स एज अ डुअल वॉशरूम फॉर द बेडरूम एंड फॉर योर गेस्ट्स। पाउडर वॉशरूम हर घर में होना चाहिए क्योंकि जब आपके गेस्ट्स आपके घर आते हैं तो यू डोंट वॉन्ट देम एंटरिंग इन टू योर बेडरूम। आइए बेडरूम नंबर 2 के अंदर। बेडरूम नंबर 2 में बहुत ही एक्सपेंसिव कवर्ड स्पेस दे रखी है ताकि मियाँ बीवी आपस में ना झगड़ें, उनका लड़ाई झगड़ा ना हो और वो अपने कपड़े आराम से रख सकें। जैसे आप देख रहे हैं रन थ्रू वार्डरोब दे रखी है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हेडबोर्ड्स के साथ गोल्डन रूफ्स और वुडन पैनलिंग के फिनिशेस दे रखे हैं विच मेक योर हाउस लुक विक्टोरियन एलिगेंट एंड क्लासी। एयर कंडीशनर्स आर बाय हिताची एंड दे आर इंस्टॉल्ड इन एवरी रूम द किचन एंड द ड्रॉइंग रूम। स्टडी सबसे पहले आपको अब आगे चलते हुए दिखाऊंगा। इस घर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये याद रखने वाली है कि ये गुड़गांव के सबसे बेहतरीन बिल्डर की कंस्ट्रक्शन है। वो ना ही आपको प्री सेल्स में हेल्प करते हैं बट उनका पोस्ट सेल्स प्रोसेस ऐसा है कि कस्टमर उनकी सालों बाद भी तारीफें करते हैं। विकास बिल्डर इज़ द नेम फॉर रिलायबिलिटी एंड फॉर गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। ये आपका स्टडी रूम या किड्स रूम। इसमें वुडन फ्लोरिंग दे रखी है टू मेक इट वार्म एंड एम्बिएंट। नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक शाफ्ट है। शाफ्ट में विंडो का भी एक्सेस दे रखा है बट ये बालकनी का काम नहीं करता। इस कमरे में आपके पास टीवी लगाने के लिए जगह है और वो इस दीवार पे डीमार्केटेड है, तो आपका टीवी यहाँ लगेगा और यहाँ पे एक क्वीन साइज बेड आएगा। वो जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ पे एक स्टडी टेबल लग सकता है और साथ में ही कबर्ड्स कमरे के अंदर है। ग्रे फिनिशेस में वॉशरूम है। आपको सैनिटरी वेयर और बाकी अप्लायंसेस की स्पेसिफिकेशंस मैं दे ही चुका हूं। आपका चौथा कमरा जो कि है आपका मास्टर बेडरूम, ये खुलता है सामने वाली बालकनी में। अद्भुत नजारे हैं। 200 स्क्वायर फुट का ये कमरा। यहां आपका टीवी आएगा, आराम से 50-55 इंच का टीवी लगाइए। टीवी के सामने किंग साइज बेड लगाइए। किंग साइज बेड के पीछे ये वॉलपेपर ऑलरेडी बिल्डर साहब ने लगा के दिया हुआ है ताकि आपके कमरे की एस्थेटिक अपील बढ़ती रहे। साथ में आपकी कबर्ड्स हैं जो कि कमरे के अंदर ही हैं। सी थ्रू कबर्ड दे रखी है ताकि आप वहाँ अपने परफ्यूम्स, अपने ज्वेलरी का सामान, अपने नेकटॉप और स्कार्व्स सब अंदर आराम से प्लेस कर सकें। इस कमरे का बाथरूम देख लीजिए, ग्रेज में फिनिशेज हैं। वेट ड्राई एरिया फिर से सेपरेट है और एक अच्छा सेक्लूडेड सार कैबिन यहाँ पे बिल्डर ने बना रखा है। ये कमरा फ्रंट बालकनी में खुलता है और इस घर का सबसे बड़ा कमरा है। विकास बिल्डर्स द्वारा बनाई हुई ये प्रॉपर्टी सुशांत लोक बी ब्लॉक में एक 300 गज के प्लॉट पे 4 बेडरूम 4 वॉशरूम की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में अभी करंटली एक ही फ्लोर रह गया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए नंबर पे हमें अभी फ़ोन करें ताकि हम आपको ये घर दिखा सकें और ये घर दिलवा सकें। दिस इज़ चेतन कौशल साइनिंग ऑफ फॉर रियलिटीज़ नेक्स्ट डोर।